हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब राधे राधे एंड जय श्री कृष्ण। शाम के 7 बज रहे हैं। सुबह की पूजा निपटाने के बाद शाम को हम पूजन की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पहले हमने भगवान को पंचमेवा स्नान कराया। जो पंच मेल होता है उसे स्नान कराने के बाद में हमने तैयारी की। मंदिर की डेकोरेशन जो भी है वो मैंने की हुई है, उसका क्रेडिट मुझे जाता है। अच्छा बुरा जो भी है, आई डोंट नो क्या है, बट आप लोग बता सकते हैं। और फल इस बार पापा घर पे नहीं थे, किसी कारण से वो बाहर थे, तो इसलिए मम्मी ने पूजा इसलिए इस बार मैंने और छोटे ब्रदर ने की है। बिग ब्रदर मेरा ब्लॉग शूट करने में लगे हुए हैं दिवाली पूजन का, एंड बाकी फैमिली आपको दिखेगी इस बार दिवाली। और हमारे घर में ना मोस्टली क्या होता है, कुछ पूजा हम घर की बेटियाँ ही करते हैं, क्योंकि मेरे डैड का मानना है कि घर की लक्ष्मी हम ही हैं, मैं और मेरी छोटे सिस्टर। तो वो जो दिवाली के प्रिपरेशन दिए होते हैं वो वहाँ पे कर रही है, लेकिन उसको कैमरे पे आना पसंद नहीं है, तो इस वजह से काफ़ी कम टाइम वो कैमरे पर आती है। तो यहाँ पर हमने फटाफट से सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, और माता लक्ष्मी का पूजन का जो शुभ मुहूर्त था वो 7 से 8 के बीच में हमने रखा हुआ था, तो 7:30 लगभग हमारी पूजा फिनिश हो गई थी। हम माता लक्ष्मी का और गणेश भगवान का हवन भी करते हैं एक छोटा सा, जिसमें कभी कभार हम लोगों को इतना पता नहीं होता है जितना मम्मी को पता होता है, तो बीच बीच में मैं मम्मी से पूछती भी जा रही थी कि मम्मी क्या करना है और क्या नहीं करना है। हाँ, तो साथ में मेरी हाल मेरा भाई कर रहा था। और यहाँ पे माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद में हमने पूरे घर में दिए जलाए, क्योंकि सबसे हमारे यहाँ पे ना मिट्टी के दिए 11 जलते हैं और 5 दिए जो होते हैं वो आटे के होते हैं। वो हम 12 बजे जो लक्ष्मी माता का पूजन होता है, मतलब लक्ष्मी माता के आगमन कहते हैं कि 12 बजे माता रानी आती है, तो उस टाइम पे जलाते हैं। तो 11 दिए तो हमारे यहाँ वैसे जलते हैं, बाकी वो 5 दिए उस टाइम पे जलाते हैं कि माता को आह्वान करने के बुलाने के लिए। तो यहाँ पे सारे प्रिपरेशन हो सके, और ये बहुत ब्यूटीफुल सा डेकोर जो मैंने मीशो से परचेस किया था ये वो है, बहुत प्यारा लग रहा था घर में मंदिर की साइड पर। और बाकी तो यही कह सकते हैं। और हम हलवा पूड़ी का भोग लगता है, गुलगुलों का, गुलगुला जो होता है वो आटे के बने होते हैं, तो उसका भी हमारे यहाँ भोग लगता है। लड्डू पान बतासे मेवा में सारी सामग्री होती है। लड्डू और पान बतासा जो होता है, माता को हम पान बतासा देते हैं, इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, बट हम दिवाली के दिन पे हमारे ग्राम देवता गांव के जितने भी मंदिर होते हैं उन पर एक एक पान बतासा जाता है, कहते हैं कि हम भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली इस पूजा का मतलब दिवाली मनाने खुशियां के लिए होती है, बट हम लोग यहाँ पे हमारे यहाँ पे बाहर मंदिर है वहाँ पे भी पान बतासा जाता है, और यहाँ माता रानी के पास भी हम 5 पान बतासों की पूजा करते हैं। सबके यहाँ पे अलग अलग ट्रेडिशन फॉलो होता है डिफरेंट कल्चर के हिसाब से, हमारे यहाँ पे भी यही है बट थोड़ा डिफरेंट है ऐसा आई थिंक, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने कई लोगों के यहाँ की पूजा देखी हुई है तो नहीं है। और हमारे घर पे मेरी मम्मी कुछ ज़्यादा ही ट्रेडिशनल फॉलो करती हैं, मतलब उनको पूरा प्रॉपर पूजा चाहिए, और यहाँ पे मम्मी पूरी तैयारी के साथ लगी हुई हैं माता रानी की। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ना सूप में रख के दिए जलाए जाते हैं। अब इसका मुझे एग्जैक्टली रीज़न नहीं पता और आप लोगों को नहीं बता सकती, क्योंकि ये बहुत टाइम से है, और सूप में ही खील बतासा सब कुछ यहाँ चढ़ाया जाता और 11 दिए, और बार बार मेरा भाई ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और फिर उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती के लिए हम सब लोग खड़े होते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ हमारे भाई साहब तो पूरा हवन करने पे तुले कि मतलब उसमें सारा कुछ सामग्री डाल रहे हैं, और यहाँ फिर मैंने भगवान जी को फूल चढ़ाए। और पूजा में इस बार हमारे लड्डू गोपाल का न्यू पालना आया हुआ था, आप लोग बताइए कैसा है, क्योंकि मैंने अच्छा था मुझे लग गया, मैं मार्केट से परचेज, मेरे साथ ऐसे होता है भगवान जी की ड्रेस ले कपड़े। और ये मेरे घर का मेन गेट एंट्री है, ये मैंने बहुत ब्यूटीफुल सा सजाया हुआ था, और यहाँ पे पता नहीं मैं क्या रिकॉर्ड कर रही थी, मेरे भाई ऐसे ही कर रहा था, एक मैंने चकली चलाई पूरी दिवाली पर और जो फर्स्ट हो गई। पूरा ये मेरा मेन गेट है घर का, जो सजा हुआ था अच्छे से डेकोर हुआ था। चल दे दीपावली मन चुकी है, मैं बाहर आ जा, देखो 2 पैर हो गया बकरा, क्यों इसको दीपावली का पटाखे फोड़े, चल 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 इधर।